नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के काफिले में शामिल वाहन पलट गया है। हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में 1 पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हैं। घटना के बाद से ही शोक का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिले के उदयपुर नर्सरी के करीब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के काफिले का वाहन गुरुवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जानकारी के अनुसार इस घटना में प्रधान आरक्षक रविशंकर प्रसाद की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिसकर्मी और वाहन चालक घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली है कि साव शुक्रवार को शनिवार को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए रवाना हुए थे। अरुण साव बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब साव का काफिला उदयपुर नर्सरी के करीब पहुंचा, तब पायलट वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस घटना में प्रसाद की घटना स्थल पर ही दोस्तों मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार हादसे की जानकारी मिलने के बाद दोस्तों पुलिस दल को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है, जिसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि घायलों का जिला अस्पताल अंबिकापुर में दोस्तों इलाज चल रहा है। तो बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बेहद बुरा और बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष के काफिले में जो वाहन चल रहे थे, जो पलट गया है, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बहुत ही बुरी खबर। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।